दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो और अगर आप सेमेस्टर फोर में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर में हो तो आपके पास एक पेपर है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू। तो बच्चों मैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के टू का तो दोस्तों अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फोर तो आपके पास एक पेपर है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू की तैयारी कर सकते हो और मेरे पास इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, किस तरीके से आप पूरी की पूरी हेल्प आप मुझसे ले सकते हो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले एक बार आप सिलेबस एक बार देख लीजिए, ये सिलेबस है आपका जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टू नाम से है और पिछले साल ही ये सिलेबस आपके लिए आया है तो यही सिलेबस आपको पढ़ना है। मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको कैसे कैसे कवर करनी है। तो देखिए इसके अंदर चार यूनिट हैं, यूनिट वन जो है वो ISLM से रिलेटेड है, यूनिट टू जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो लेबर मार्केट के लिए और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड है, तीसरा जो है वो इन्फ्लेशन और GDP से रिलेटेड है, चौथा जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। साथ ही साथ आपको रिकमेंडेड जो रीडिंग्स हैं वो भी दी हुई हैं कि किस किस सोर्सेज से पढ़ना है। तो बच्चों मैंने जो आपको कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है उसके लिए कई सारी बुक्स का यूज़ किया हुआ है, इसमें से एक दीपाश्री मैम की किताब है, ये वाली बुक है, बहुत पतली सी किताब है, आप चाहो तो ये बाय बुक बाय कर सकते हो, लगभग 200 रुपये समथिंग की 180 रुपये समथिंग की आ जाएगी ये बुक, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप रीडिंग का यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप देखोगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो मेरी तरफ से तो मिक्सिंग करके कंटेंट डेवलप किया गया है, आप चाहें तो आप एक बुक बाय कर लीजिएगा, दीपाश्री की बुक बाय कर लीजिएगा और जैसे जैसे आपको दीपाश्री की बुक में कंटेंट मिलेंगे उसी डिज़ाइन में उसी हिसाब से हमने अपने सिलेबस अपने जो कोर्स है हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें भी आपको कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो एक ही बुक आप बाय कर लीजिएगा, आप रीडिंग बाय करना चाहें तो आप रीडिंग भी बाय कर सकते हो, लेकिन जो मैं डिज़ाइन रखूंगा यानी कि जो सिस्टमेटिकल ऑर्डर में रखूंगा वो दीपाश्री मैम की बुक के हिसाब से ही रखूंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस पेपर में अगर हम बात करें तो टोटल मिलाकर आपका 75 मार्क्स का इंटरनल होगा और ये अभी आपका ओल्ड स्कीम ओल्ड कह सकते हो क्योंकि आप सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू में तो न्यू स्कीम आ गई है, इसलिए 75 मार्क्स का आपका ओवरऑल एग्जाम होगा जिसमें से 50। तो बच्चों पेपर के पैटर्न की बात करें अगर हम तो इस दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन होंगे आपके। सेक्शन ए जो होगा उसमें आपसे टोटल 7 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, जिसमें से आपको एनी 5 आपको करने पड़ेंगे, यानी कि इस तरीके से आपका ये जो सेक्शन होगा ये 25 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन टू जो है, सेक्शन टू में से भी आपको 7 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, आपको एनी 5 करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे तो 50 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा, इस तरीके से आपके दो होंगे। इसके अलावा यूनिट जो वन है इसका मतलब यूनिट वन जो है वो काफ़ी वेटेज लिए होगी, 40% जो वेटेज है वो यूनिट वन का ही रहेगा, दिस वन 40%। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी यूनिट वाइज आपको तैयारी करनी है, पूरी तरीके से सिस्टमेटिकल ऑर्डर में ये सिलेबस दिया हुआ है उसी तरीके से आपको तैयार करना है। कोर्स कंटेंट की बात करें तो हमने किस तरीके का कोर्स कंटेंट बनाया हुआ है, इसके लिए हमारी एप्लीकेशन है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, आप वहाँ पर जाके आपको ये वाला जो कोर्स है ये वाला मिल जाएगा। आप सेमेस्टर फोर लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेमेस्टर फोर, तो आप जैसे आप सेमेस्टर फोर लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे सेमेस्टर फोर लिखा है, तो जैसे आप सेमेस्टर फोर लिखोगे तो ये वाला कोर्स आपको मिल जाएगा, दिस वन आपको कोर्स को ही चूज़ करना है। तो कोर्स के अंदर आप जब जाओगे तो कंटेंट में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से हमारा यूनिट वाइज दे रखा है उसी तरीके से यूनिट वाइज कंटेंट है ये पूरा का पूरा, तो 1, 2, 3, 4 उसी तरीके से यूनिट वाइज कंटेंट है। अभी कंटेंट अभी डेवलप पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लगभग इसमें 70 से 75 वीडियो बनेंगी, 55, 50, 60 करीब 50 के करीब वीडियो इसमें ऑलरेडी हैं, लगभग 20% 30% अभी कंटेंट बनना बाकी रह गया है, वो हम इसमें जल्दी अपलोड कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फरवरी ख़त्म होते होते
आपका सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, तो जब आप कोर्स बाय करोगे तो आप पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंटेंट है, आप चाहो तो इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो एक यूट्यूब चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल VES इग्नू एंड DU, इस पर बेसिकली हम अब आप बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से ही सारी की सारी वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो या इग्नू से हो तो आप ये वाला यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के थ्रू कर लेंगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।